हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है भाई आप सभी का जुरासिक वर्ल्ड गेम के एक और नई वीडियो में। एंड भाई आज हम लोग वापस से खेल रहे हैं जुरासिक वर्ल्ड। भाई जैसा कि मैंने बोला मतलब अगेन भाई वीडियो नहीं बनाने का एक ही रीज़न था, क्योंकि भाई गेम में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है भाई। मतलब अभी अच्छे वाले इवेंट्स आ नहीं रहे हैं। मतलब अभी टाइम है, कल तक एक और शेक दी अर्थ यहाँ पे आएगा, जिसके अंदर हमें मिलेगा ये वाला डायनो, जो कि अच्छा है। बट ठीक है, अभी हमारे पास दो इवेंट्स हैं जो कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला अभी नहीं कर सकता भाई। इसके लिए हमें ये डायनो चाहिए होगा, वो भी 10 लेवल का, जो कि मेरे पास नहीं है अभी। तो फिलहाल हम लोग आज एक इवेंट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट लाइस बीनीथ, आई थिंक ऐसा ही करके कुछ नाम है। तो ठीक है, इसको आज कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। फूड प्रोडक्शन वगैरह सारे भाई लगा देता हूँ मैं काम पे, अपना काम होता रहेगा। फैक्ट्री पे काम नहीं रुकना चाहिए भाई, वरना डायनासोर का खाना पीना वगैरह मैं कहाँ से इकट्ठा करूँगा। एंड यहाँ पे ट्रेड्स हैं, ट्रेड चेकआउट कर लेते हैं भाई। क्विटजल को बेच दूँ क्या? मेरे पास क्विटजल है, आई मीन क्विटजल है कि नहीं है? अगर होगा तो बेच दूँगा, नहीं होगा तो रखना पड़ेगा भाई। ये देखो क्विटजल तो है, लेकिन एक हमें चाहिए, तो क्विटजल को नहीं बेच सकता मैं। चलो कोई नहीं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या नया ट्रेड मिलता है हमको। ऑलराइट, ये अच्छा है, इसको रख लेते हैं। एंड इसके अलावा एनीथिंग एल्स भाई, ये भी ठीक है, रख लेते हैं। मतलब डीएनए के बदले ग्रीन मनी मिल रहा है, ग्रीन मनी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। डीएनए तो मैं लेकिन इस बार फूड नहीं दूंगा मैं, बहुत बार फूड दे दिया भाई, फूड नहीं दूंगा बार बार। देख रहे हो भाई, क्विटजल के बदले कितनी सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन क्विटजल मुझे बेचना ही नहीं है। यहाँ पे फिर से फूड के बदले कुछ आया भाई, फूड के बदले जेडब्ल्यू पॉइंट। मतलब यार सब चीज़ फूड के बदले ही दोगे क्या? शिट भाई, कितने दिन के बाद ये वाला मिला मुझे भाई, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन फाइनली भाई हमको ये वाला। मतलब मुझे लगा कि भाई इन्होंने ये वाला ट्रेड हटा दिया है, लेकिन नहीं हटाया भाई। चलो एक डेकोरेशन के बदले हमें 335 यहाँ पे कैश मिल चुका है भाई। मतलब समझ रहे हो कितना अच्छा ट्रेड है ये, और ये लोग इसे हटाने वाले थे लेकिन नहीं हटाया भाई इन लोगों ने। मतलब कम कर दिया, पहले मुझे बार बार मिल जाता था, लेकिन अभी नहीं मिलता इतना। चलो यहाँ से थोड़े से लॉयल्टी पॉइंट्स ले लेता हूँ, 200 मिल गए। चलो ठीक है भाई, तो फाइनली सारे काम ख़त्म। यहाँ पे कुछ नया आया है भाई, ओ एक नया डायनो तो आया है, मेगा थेरियम आया है। ये देख लो भाई, अगर तुम ये वाला ड्रैको रेक्स वाला कर लेते हो, तो ड्रैको रेक्स का डीएनए यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, लेकिन मैं नहीं करने वाला, हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। अभी ड्रैको रेक्स की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब है लेकिन ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। हमारे पास बहुत सारे डायनासोर पड़े हुए हैं, पहले उन्हीं को हम मैक्स लेवल का करेंगे। इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, वरना मैं चाहता तो कर लेता, नहीं कर सकता भाई। ये मुझे चाहिए ड्रैको रेक्स। ओ भाई ड्रैको रेक्स मेरे पास रहेगा तो मैं ड्रैको रेक्स के लिए क्यों खरीदूंगा भाई? क्या सेंस लगा के ये लोग दे रहे हैं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो चलो इवेंट पे चलते हैं एंड देखते हैं भाई क्या हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं कि नहीं। मतलब कर लेंगे भाई, हमारे इक्वेटिक वाले डायनासोर्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेट्स गो, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ले जाऊँ मैं, मोसासोरस को ले जाऊँ? चलो मोसासोरस को ले लेता हूँ, एंड उके बाद मैं यहाँ पे ले जाऊँगा इसको, एंड लास्ट में हम ले जाएंगे अपने इसको प्लीसियोसोरस को, जो कि 40 लेवल का है भाई। लेट्स सी ये वाला बैटल जीत पाते हैं कि नहीं, होपफुली जीत जाएंगे। ऑलराइट भाई, तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे डायनासोर्स। मतलब देख रहे हो डंकलियोसोरस आ चुका है यहाँ पे, और हमारा मोसासोरस जनरेशन 2। लेट्स गो, एक पॉइंट में होल्ड कर रहा हूँ, ये डायनो स्विच करेगा भाई, पक्का ये डायनो स्विच करेगा, लेकिन कोई दिक्कत। ओह शिट, बच गया।
मुझे लगा था कि मैं गया भाई, लेकिन नहीं गया, इतनी आसानी से थोड़ी जाऊंगा यार। मोसेस और जनरेशन टू है भाई, दो शील्ड एक होल्ड, देखते हैं क्या होता है। फिर से दो अटैक भाई, ये स्विच क्यों नहीं कर रहा? मैंने मतलब ऐसा सोचा था कि ये स्विच करेगा, लेकिन ये कर नहीं रहा भाई, बदमाश हो गया है। अगर ये स्विच नहीं करेगा तो नहीं करेगा भाई ये। अब बैटल मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग निकाल ही लेंगे भाई। मेरे पास प्लीसियोसोरस है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दो शील्ड मैंने लगा दिया है और तीन होल्ड कर लेता हूँ, लेट्स गो। क्या ये मेरे ऊपर चार के चार अटैक करेगा? नहीं करेगा भाई। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायनो स्विच करता हूँ भाई। इसके ऊपर अटैक कर सकता था मैं, इसको डाउन भी कर देता, लेकिन मेरे सारे पॉइंट्स चले जाते, लेकिन मुझे पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं भाई। अगर मेरे पास पॉइंट्स रहेंगे तो मैं 1 vs 2 कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास पॉइंट्स ही नहीं रहेंगे तो भाई मैं दो डायनासोर से भी उसके एक डायनो को डाउन नहीं कर पाऊंगा। पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अभी देखो 1 vs 2 करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक भी पॉइंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि हाँ हो तो गया भाई, ईजी पीजी, क्या दिक्कत है, शील्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। इतनी हेल्थ है इसकी, हमारे प्लीसियोसोरस की, ये कभी डाउन नहीं कर पाएगा। ये देख लो, चार अटैक इसने कर दिए हमको, मतलब हल्का सा खरोच लगा है, लेकिन ठीक है। अभी यहाँ पे इसका काम हम लोग ख़त्म करते हैं, चलो लेट्स गो भाई, फुल एंड फाइनल अटैक। और यहाँ पे डंकलियोर हो चुका है डाउन, तो देख लो भाई हमारा 40 लेवल का प्लीसियो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और देखने में का ही ज़्यादा बढ़िया दिखता है भाई ये। ऑलराइट, पहली बैटल जीत ली, दूसरी बैटल ये भी इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो दूसरी बैटल में इसको ले जाता हूँ, एंड इसके अलावा मैं इसको ले लेता हूँ, और लास्ट में मैं ले लेता हूँ इसको भाई, हाइनोडस को ले लेता हूँ, ये पूरी बैटल संभाल लेगा। चलो भाई, ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को होल्ड करेंगे। लेट्स सी इसका प्लीसियो क्या करता है भाई। यहाँ पे सारे डायनासोर इसके 40-40 लेवल के हैं, बस एक 34 लेवल का है। ऑलराइट, डायनो स्विच कर दिया भाई, हमारे जाल में फंसता जा रहा है ये, डायनो स्विच कर दिया इसने। अब मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से सारा गेम यहाँ पे चल रहा है। तो चलो यहाँ पे चार पॉइंट मैंने होल्ड कर लिया है, लेट्स सी ये अटैक करेगा कि नहीं। तीन अटैक कर सकता है, तीन अटैक ही किया इसने जैसा मैंने बोला था, मतलब एक शील्ड है इसके पास, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, चार अटैक में इसका काम हो जाएगा, हो तो जाएगा ना। हाँ भाई यार, ईजी पीजी भाई, चार अटैक में तो हो ही जाएगा यार। अब थोड़ी सी दिक्कत है, अगर ये चार अटैक करता है तो शिट भाई, क्या कर रहा है ये, चार शील्ड नहीं भाई, दो ही शील्ड लगाए थे, ये कर क्या रहा है भाई। अब ये छः के छः अटैक करेगा, मतलब मार खाने के बाद ही सारे अटैक करोगे भाई। ये पहले भी चार अटैक करके मुझे डाउन कर सकता था, लेकिन इसने भाई थोड़ी सी बुद्धि लगाई यहाँ पे, और ये हार जाएगा क्योंकि इसने गलत बुद्धि लगाई भाई, ऐसा थोड़ी होता है। और भाई इसी के साथ ये वाली बैटल भी यहाँ पे होती है समाप्त। कितना डैमेज पड़ेगा इसको बताओ जल्दी से। ये देखो भाई, इसका रॉक एंड रोल वाला अटैक 1200 का डैमेज भाई, 12000 का डैमेज सॉरी, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा डैमेज। और इसने भाई क्या चिल्लाया यहाँ पे, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दिया। चलो फाइनल बैटल यहाँ पे हो चुकी है, और फाइनल बैटल मतलब इतना ईजीली इसको लेकर के जाऊँगा ना मैं, देखना भाई ये बैटल मतलब फुल एंड फाइनल कर देता हूँ। रुक जाओ, मेरे सारे तगड़े वाले डायनासोर उतार दिया भाई, अंधा डायनो उतार दिए मैंने। चलो भाई देखते हैं ये लोग क्या कर पाते हैं यहाँ पे, देख रहे हो 1000 का डैमेज है, और मेरी लास्ट वाली जो मछली है ना भाई,
उसका डैमेज इतना ज़्यादा गंदा है, मैं क्या बताऊँ भाई। उसका डैमेज तुम लोग देखोगे तुम लोग बोलोगे भाई क्या मछली है। बस देखते जाओ तुम लोग। ये जो मेरा वीआईपी डायनो है इसकी हेल्थ देखो भाई 2400 की है। ये लोग कभी डाउनलोड नहीं, मतलब डाउन नहीं कर पाएंगे भाई। मैं डाउनलोड कहाँ से बोल रहा हूँ। तो चलो दो अटैक दिया है मैंने, एक शील्ड थी, मतलब अभी इसकी आधी एचपी डाउन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अटैक नहीं कर रहा भाई, ये लात खा के ही मानेगा। आ गई हवा ठिकाने पे। चलो लगता है भाई मेरी लास्ट वाली मछली आ ही नहीं पाएगी, यही सारे डायनासोर्स को निपटा देगा। चार अटैक किया, 6 पॉइंट थे इसके पास आई थिंक। मैं भी 4 कर देता हूँ इन केस अगर इसने 2 शील्ड लगाई होगी तो, एक ही लगाई थी। चलो कोई नहीं। और अब भाई इसका आ चुका है क्रोनोसोरस। इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं अपने सबसे पावरफुल वाले डायनासोरस यहाँ पे लेके आया हूँ। ये देखो भाई, ये है मेरा टाइलोसोरस, मतलब बाप डायनो है भाई ये। इसका डैमेज भी सही है और इसकी हेल्थ भी ठीक ठाक है। क्रोनोसोरस की भाई यहाँ पे हेल्थ काफ़ी कम है, लेकिन इसका डैमेज अच्छा था। लेकिन भाई मेरे टाइलोसोरस का यहाँ पे हेल्थ भी ठीक ठाक है और डैमेज बहुत ज़्यादा है। और तुम्हें मैं इस मछली का डैमेज दिखाता हूँ भाई, मतलब देख रहे हो 1700 का डैमेज है, 1200 की हेल्थ है भाई। बवाल मछली है, बहुत ज़्यादा तगड़ा मछली है भाई ये। और इसी के साथ भाई ये वाली बैटल भी यहाँ पे हो चुकी है समाप्त। तो हमने भाई फाइनली पूरा इवेंट यहाँ पे कर दिया है ख़त्म। लेट्स सी भाई क्या मिलता है। ऑब्वियसली भाई यही डायनो मिलेगा। तो चलो भाई यहाँ पे हो चुका है एक और बैटल ख़त्म, और अब हमारे पास कोई भी इवेंट नहीं बचा फ़िलहाल। ये यहाँ पे कोड 19 है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। लेट्स गो। शिट 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 भाई, यही वाला दिक्कत देता है, मतलब बहुत फोकस रहना पड़ता है भाई। ये सारे इजी होते हैं, बस वो लाइन वाला जो आता है भाई वो बहुत ख़तरनाक होता है। और वो वाला भाई ज़्यादातर वाटर वाले डायनासोर्स में आता है। ये देखो भाई यही वाला, इसी की बात मैं कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये। लेकिन कोई नहीं, मैंने प्रैक्टिस की भाई, ऐसे कैसे छोड़ दूँगा। फ़िलहाल शुरू में तो मिस हो गया था। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल जितना भी डीएनए मिल जाएगा मैं ले लेता हूँ। प्रैक्टिस किए भाई, ऐसे कैसे छोड़ दूँगा। चलो 10 सुपर डीएनए मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई। मेरे पास बहुत सारे सुपर डीएनए भी हो चुके हैं यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। और क्या है भाई यहाँ पे, और कुछ है जो हम खेल सकते हैं? बॉस बैटल, बॉस बैटल नहीं खेल सकते। पीवीपी कर दो क्या? सीनोजोइक वर्सेस लैंड कर, नहीं लैंड वाले नहीं, सीनोजोइक वाले कहाँ हैं भाई? ओनली सीनोजोइक क्रीचर्स भाई यहाँ पे, एनाकोंडा और दिक्कत है भाई, दिक्कत तो है। एनाकोंडा ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ? यार मेरे पास सीनोजोइक में एक दिक्कत है यहाँ पे, कि ये जो बर्फ़ वाले डायनासोर है लाइक ये राइनो, यही बस है मेरे पास। इधर भाई देख रहे हो, इधर एक भी डायनो नहीं है बर्फ़ वाला। बर्फ़ वाले डायनासोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे, तो मुझे लगेंगे भाई बर्फ़ वाले डायनासोर, इन पर ध्यान देना पड़ेगा भाई। सीनोजोइक वाले जो टीम है मेरी वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रही है। सिर्फ एक ही भाई, एक ही टाइप के यहाँ पे डायनासोर है मेरे पास पावरफुल, तो थोड़ा सा बर्फ़ वाले डायनासोर्स को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सांप, देन एक वुली रैनो, देन एक ये वाला मेमोथेरियम। ये मेमोथेरियम भाई हमें पैक ओपन करने से मिला था, मज़ा आ गया था भाई उस दिन तो। ठीक डायनासोर है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये डायनो स्विच कर देता है तो भाई जैसा मैंने प्लान किया है वैसा ही हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ भाई ये डायनो स्विच कर दे, बस एक बार अपने मुगरी को आगे कर देगा ये, तो मतलब मेरा काम हो जाएगा भाई।
ऑलराइट, तो चलो इसने अपनी मुगरी को यहाँ पे कर दिया है आगे, और अब हम इसका बजा देंगे यहाँ पे बाजा। भाई देखो कैसे बजाता हूँ मैं, 3 पॉइंट है, 2 अटैक कर देगा तो भी मैं डाउन हो जाऊँगा, 3 कर देगा तो मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, 1 भी नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम ज़्यादा पॉइंट इकट्ठा कर लेंगे। चलो सारे पॉइंट बचा लिए भाई इसने, नाइस। अभी अच्छे के 6 अटैक करेगा मेरे ऊपर, भाई इसने सारे पॉइंट बचाए थे ताकि ये सारे पॉइंट मेरे ऊपर यूज कर सके। भाई देखना अभी ये सारे के सारे पॉइंट मेरे ऊपर इस्तेमाल कर देगा और इसके पास 1 भी पॉइंट नहीं बचेगा, और फिर ये वापस से डाउन हो जाएगा यहाँ पे। देखो कैसे डाउन करता हूँ मैं इसको, 1 2 3 इसका काम ख़त्म। डायनो रावली रैनो का भी यहाँ पे काम ख़त्म, तो इसके लिए मैं शील्ड नहीं लगाने वाला, इसको मरने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा अब मेमोथेरियम इजीली हैंडल कर लेगा आगे की बैटल्स, तो बुल्ली रैनो को यहाँ पे तुम लोग मार सकते हो भाई अपने सारे पॉइंट वेस्ट करके। ऑलराइट भाई, तो यहाँ पे ये लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, आई थिंक ये भी 6 के 6 अटैक करेगा। भाई आप पीवीपी बैटल करोगे तो भी भाई मतलब रियल प्लेयर आते ही नहीं है भाई इस गेम में, कितना भी पीवीपी बनाया हो लेकिन रियल प्लेयर्स नहीं आते भाई, यही दिक्कत है इस गेम की। चलो 3 यहाँ पे अटैक पे, 2 शील्ड एंड 3 होल्ड। चलो भाई देखते हैं क्या होता है, मतलब क्या ही होगा भाई, जीत जाऊंगा ऑब्वियसली। तीन अटैक किया इसने लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 3 अटैक से तो कुछ ना हो रहा। एंड अब मैं इसके ऊपर करूंगा 7 के 7 अटैक, और यहीं से होती है भाई ये वाले बैटल की भी एंडिंग। ओ भाई साहब क्या ही ज़बरदस्त दिया भाई इसने, तो चलो यहाँ से हो चुकी है एक और बैटल, हमने यहाँ पे जीत लिया है, और अब आ चुका है भाई वीडियो को बंद करने का टाइम। पहले देख लेते हैं रिवॉर्ड में क्या मिला है हमें। ओह भाई साहब इतना अच्छा चीज़, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिलेगी, इतनी मेहनत करने के बाद भाई हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं था वो। चलो भाई अब कुछ नहीं बचा इस गेम में करने के लिए, फ़िलहाल तो कुछ नहीं बचा है। मे बी कल हमारे पास कितने सारे इवेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 भाई 4 इवेंट्स आ रहे हैं कल, तो देखते हैं कल भी वीडियो हो सकते हैं तो बनाऊंगा मैं। बाकी यहाँ पे क्लैश ऑफ टाइटन चल रहा है जिसके अंदर भाई टाइटन और बोआ मिल रहा है जो कि मेरे पास है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा, तो अगर तुम लोगों को लेना हो तो भाई देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा मिशन कम्प्लीट करो और इवेंट को अनलॉक करो और जीत लो भाई टाइटन ओबोआ, इसका हाइब्रिड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ठीक है भाई चलो इसी के साथ ये वाली बैटल और ये वाली वीडियो होती है समाप्त, मिलता हूँ भाई तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।